आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के लिए कि मॉक टेस्ट में नंबर क्यों कम आ रहे हैं, उन नंबरों को कैसे बढ़ाना है, किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, कैसे वो स्कोर हमारा अप होगा और ऐसा स्कोर हमें मिल जाएगा कि जिससे हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। आज हम सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो यार बच्चे कुछ एग्ज़ाम से घबराते हैं, मॉक टेस्ट से ही घबराते हैं। मॉक टेस्ट आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मॉक टेस्ट आपको सिखाने के लिए, मॉक टेस्ट आपका टाइम मैनेजमेंट बैठाने के लिए कि आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, आपको किस किस सब्जेक्ट को किस सीरियल नंबर से करना है, ये सब आप मॉक टेस्ट इसलिए दे रहे हो। मॉक टेस्ट आप दे रहे हो अपना एग्जाम फियर दूर करने के लिए, अपना आपको कंफर्टेबल करने के लिए, मैं इस एग्जाम के लिए कंफर्टेबल हूँ, आप इसलिए दे रहे हो मॉक टेस्ट। अपने आप का डर निकाल दो मॉक टेस्ट से कि यार मैं यहाँ पर इस हिसाब से परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरे आगे भी एग्जाम में इस हिसाब से ही मार्क्स आएंगे, ये सब चीज़ें सोचना बंद कर दो। जितना आपने आपको यहाँ पर कंफर्टेबल रखोगे उतना ही आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, उतने ही कंफर्टेबल आप एग्जाम में रहने वाले हो, इस बात का विश्वास मानिए। स्कोर की बात करें कि स्कोर किस चीज़ पर मैटर करता है, स्कोर मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी पर। ये जरूरी नहीं है कि आप 85 नंबर कर रहे हैं क्वेश्चन में और 90 कर रहे हैं, 75 कर रहे हैं, आपका अटैम्प्ट बहुत अच्छा है लेकिन स्कोर क्या आ रहा है आपका 110, 120, तो वो अटैम्प्ट बेस्ट नहीं है। अगर आप 60 करके 120 ले लो ना तो वो बेस्ट है। तो सबसे पहले अपने किस पे काम करना है, एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी देखो, जीके और इंग्लिश अभी हटा देते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं इनमें तुक्के की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती, तो इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम है। आपको क्वेश्चन या तो आता है या नहीं आता, आपसे मिस्टेक्स हो जाती है वो बहुत अलग बात है, मिस्टेक सबसे होती है, वो माइन्यूट मिस्टेक्स होती है इनमें, तो वो हटा दो। रहा मैथ, इंग्लिश और जीके। इंग्लिश में बहुत ग्रामर में ऐसा पोर्शन है ना ग्रामर कि उसमें आपकी गलती की गुंजाइश बचती नहीं है कि यार आप गलती करोगे। ग्रामर भी आपको पढ़ने के बाद ऐसा होता है यार या तो मेरे को आता है या नहीं आता, कंफ्यूजन की गुंजाइश अगर 100% आपका है ना कि या तो आपको आता है या नहीं आता, तो उस 100% में से सिर्फ कंफ्यूजन की गुंजाइश कि यार ये होगा या ये होगा, वो कंफ्यूजन वाला बता रहा हूँ मैं, तुक्के वाला ये होगा वो होगा नहीं, कंफ्यूजन वाला सिर्फ 5% होता है ग्रामर में, बहुत बार हो जाता है लेकिन वो सिर्फ 5% है, वो हटा दो। रहा जीके, जीके में आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं एक्चुअल में, 5वीं क्वेश्चन हो सकते हैं, 10वीं क्वेश्चन हो सकते हैं, 15वीं हो सकते हैं, इससे बेनिफिट आपका ये रहेगा आपकी एक्यूरेसी सही रहेगी। अगर आप 60 क्वेश्चन भी करेंगे तो 120 नंबर आपके आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस इस हिसाब से बूस्ट हो जाएगा कि यार 60 तो मैं अब अटेम्प्ट कर रहा हूँ और नंबर भी मेरे उस हिसाब से आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मैं 65 भी कर सकता हूँ। 65 तुक्के से नहीं, 65 आप आगे बढ़ने की ओर देखेंगे कि मैं आगे बढ़ूँ, इसलिए आप 65 करेंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी आपकी बहुत मैटर करती है। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में हम मॉक टेस्ट लगा रहे थे, पहली बार कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है कई बार होता है कि यार अब हम और एग्जाम भी पास आ रहा है, हम दोबारा वो चैप्टर पूरा पढ़ नहीं सकते स्टार्टिंग से, कोई बात नहीं, मॉक टेस्ट से सीख लो, इसीलिए तो है वो, हमारा एनालिसिस करने के लिए तो है, अपना एनालिसिस करो उससे सीखो, सीखने में कोई हर्ज थोड़ी है। देख लो भाई आज नहीं आया तुम्हें, कोई बात नहीं, देखो उससे सीखो, ये हो गया, ये आपकी कहानी खत्म हो गई इतने पे, आपने मॉक टेस्ट लगा लिए, अच्छे से लगा लिए। अब करना क्या है, आप एक बार एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है यार ये मेरे से आया था, ये नहीं आया था, ये मैंने गलत करा, इस क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम दिया, सब कुछ आपने कर लिया एक बार, ठीक। आपको नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है, आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप सिली मिस्टेक्स करते हो, यार शिट ये ऐसे होना था बट मुझसे नहीं हुआ, अच्छा ये माइन्यूट सी मिस्टेक थी, उन क्वेश्चन को रहने दो, वो आपके जस्ट दिमाग में क्लिक नहीं करा, ठीक है। बाकी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है टफ लग रहा है या फिर आपको लग रहा है दोबारा दोहराने हैं, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, इन आप इनके क्वेश्चन नंबर, मॉक टेस्ट का सेट नंबर लिखना है, इनके क्वेश्चन नंबर लिखना है, जब एग्जाम नज़दीक आएगा, हफ्ता रह जाएगा, 5 दिन रह जाएंगे, तो इन क्वेश्चन की पर्टिकुलरली आपको प्रैक्टिस करनी है। होता है क्या है कि आपने एक बार तो एनालाइज किया था और उस एनालिसिस में आपको फंस भी गए, वो क्वेश्चन आपने सीख भी लिया क्योंकि आपने रिवीजन नहीं करा उन क्वेश्चंस का जो कि जरूरी है मैथ्स और रीजनिंग में, इसलिए वो क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आ जाता है तो आपसे नहीं हो पाता। तो ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है
और ये चीज अगर आपने ध्यान रख ली तो ये आपका स्कोर कैसे बूस्ट करेगी ना, ये आप खुद देख करके हैरानी होगी और आपको बहुत इम्प्रूवमेंट फील होगी। यार मैं अच्छा 110 स्कोर कर रहा था, 90 स्कोर कर रहा था, अच्छा अब मेरा स्कोर मेरा बढ़ गया। एक्चुअल में ये आप ही की मेहनत है जो आपने खुद के ऊपर करी है। एग्जाम प्रेशर हटा दिया, सब कुछ कर दिया, खुद को फ्री कर दिया, चीजें सीख ली, चीजें एक्स्ट्रा सीखने के। एक तो होता है यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, अपने आपको एग्जाम प्रेशर में लिया है और डरा दिया, यार शिट ये चैप्टर मैंने पढ़ा था बट मैंने ये क्वेश्चन कैसे नहीं करा। ये गलत है, इससे आप बहुत ज्यादा प्रेशर में आते हो, बहुत ज्यादा। ये चीज नहीं करनी, अच्छा ये मुझे नहीं आती मैं अभी सीख लेता हूं। क्या हो गया भाई, मॉक टेस्ट आपको अपने कंफर्ट जोन में लाने के लिए है, आपको अपने कंफर्ट जोन में लाना है उन्हें, और इसीलिए आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो बार बार, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, आपका स्कोर अपने आप बूस्ट होगा, ये चीज आप खुद देखना।